मित्रों नमस्कार, मैं कौस्तुभानंद पाठक एक बार फिर आप लोग के सामने आ गया हूँ एक और नई वीडियो को लेकर। मित्रों सबसे पहले मैं आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया देना चाहूँगा। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है कि मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है कहने को। आपने मुझे मित्रों ब्लॉग बनाने के लिए कहा, मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। आपने मेरे को सिंगिंग करने के लिए कहा, मैं सिंगिंग कर रहा हूँ। मित्रों मुझे आपका इतना प्यार मिला है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मित्रों आपके कहे अनुसार मैं ऐतिहासिक चीज़ें बता रहा हूँ, ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, और आप कहे आप जब भी जो भी चीज़ें कहेंगे मैं वो करूँगा। मित्रों सबसे पहले आज मैं आपको दीपावली की शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। मित्रों दीपावली का पर्व जो कि बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, मित्रों बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास से लौटकर सीधा अयोध्या पहुँचे थे, और भगवान श्री राम को जो कि उनकी प्रजा थी बहुत प्यार करती थी। जब वो वनवास में गए थे उस समय उनकी प्रजा बहुत रोई थी। जब वह अपना वनवास पूरा करके अयोध्या को लौटे तब उनकी प्रजा ने खुशी के मारे दिए जलाए और पटाखे फोड़े, तब से दीपावली का पर्व मनाया जाता है। मित्रों मैं आज आपको नए बाज़ार में स्थित मधुर गारमेंट पर आज लिए चल रहा हूँ। मेरे साथ हैं भावना जी। भावना जी आप कुछ कहना चाहेंगे? सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। पाठक जी जो कि बिजली विभाग में कार्यरत भी हैं उसके साथ साथ सिंगिंग करते हैं, इनको यहाँ पिथौरागढ़ का किशोर कुमार के नाम से जाना जाता है। समय समय पर ये अपने चैनल के माध्यम से ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में बताते हैं, नई नई जानकारियाँ देते हैं, यहाँ की लोकल चीज़ों को प्रमोट करते हैं। इसी के संदर्भ में ये आज मेरे पास आए तो इन्हें मेरी दुकान के संदर्भ में कुछ जानकारी मैंने इनको प्रस्तुत करी। जैसे कि मैं यहाँ के जो लोकल महिलाएं हैं उनके सहयोग से स्वेटर्स बनाती हूँ, हाथ की स्वेटर, हर तरह का सामान आपको, चाहे टोपी मोजा हो, लेडीज़ जेंट्स, सब सामान आपको हाथ का बना हुआ मेरी दुकान में आपको मिल जाएगा। एक बार विजिट जरूर करिएगा आप, और इसके माध्यम से जो यहाँ की लोकल महिलाएं उनको भी कार्य मिलता है, उनके माध्यम से मेरी शॉप भी बहुत अच्छी चलती है। तो एक बार जरूर विजिट करिएगा आप यहाँ पे आके। और मेरी शॉप का नाम है हर्षिता वुल्स मधुर गारमेंट, जो कि नए बाज़ार में उपस्थित है। इससे पूर्व मैं यहाँ पे उपाध्यक्ष के पद पर भी रही हूँ व्यापार संघ में, और मैं आपसे चाहती हूँ कि यहाँ की लोकल चीज़ों को प्रमोट करें। ऐसे ही पाठक जी अब धीरे धीरे एक एक करके यहाँ की जो दुकान है उनको प्रमोट कर रहे हैं, यहाँ के लोकल चीज़ों के बारे में बताने की जानकारियाँ दे रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप सभी श्रोतागण जो सुन रहे हैं हमारे पाठक जी को, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सहयोग करें, इनके चैनल को और ग्रो करिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अगर जाननी है तो आप इनके चैनल में जाइए, जो कि पिथौरागढ़ के आप हिस्ट्री अगर सर्च करेंगे तो सीधे पहले इनका ही उसमें चैनल का आता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा माध्यम से पाठक जी का सहयोग करें। इसी के साथ धन्यवाद। ये थी मेरे साथ आज भावना जी, जो कि पूर्व नगर उपाध्यक्ष भी रह चुकी है। इसी के साथ मैं चलता हूँ, फिर आऊँगा एक नए वीडियो को लेके। तब तक सत श्री अकाल, बाय बाय, गुड बाय, धन्यवाद। सभी को मेरा धन्यवाद।